वर्ल्ड रिकॉर्ड, पैरालंपिक रिकॉर्ड, 703 पर्सनल बेस्ट शीतल देवी, ऑलरेडी एक फिनोमेनन है, 17 साल, अनबिलीवेबल, पूरा इंडिया आज आपके बारे में ऑलरेडी दोबारा बात कर रहा है, व्हाट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, थोड़ा सा बताइए। नमस्ते, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे पैरा फर्स्ट पैरालंपिक था मेरा और मैंने बहुत अच्छा किया यहाँ पे, देखिए मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी चल रही थी हमारी और ये है कि यहाँ पे हमने बहुत अच्छा किया और आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे, अपने देश के लिए मेडल जीतेंगे। यह है कि हम पहले यहाँ पे आए थे जब प्रैक्टिस करने के लिए, 10 दिन हमने यहीं पे प्रैक्टिस की थी और ये कि बहुत अच्छा स्पोर्ट भी रहा था हमें, तो तब जाके आज हमने बहुत अच्छा किया और कल से हमारे मैच स्टार्ट है और उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। लास्ट चेस जब एरो बचा हुआ था, हम लोग इनके पीछे खड़े थे और ये हमको बार बार थम्स अप दिखा के पता लग रहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। आपको कभी पता लग रहा था कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास है, पैरालंपिक रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हो, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा था एट एनी पॉइंट? नहीं, ये नहीं था मेरे को कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, ये है कि बस अपना बेस्ट करना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अपने आप टूटेगा। वाओ, फर्स्ट थॉट्स, यू नो, इनक्रेडिबल एफर्ट, बस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और आज तक का मतलब उसका इंटरनेशनल, ये हम दोनों का 7वां इंटरनेशनल साथ में है और ये बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, तो बस आगे भी यही है कि सबका सबकी दुआएं रहे, सबका ये रहे और देश के लिए अच्छा करके जाए। 17 ईयर्स, 17 साल में 703 एंड दैट टू ये मंच पर जहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, फर्स्ट थॉट्स? ये बस ब्लेसिंग्स हैं और हार्डवर्क है, बहुत ऐसे नहीं है, उसने 17 साल की उम्र में जो सोशल से लेके घर से जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है और इस पोडियम तक स्ट्रगल झेला है और उसके साथ साथ आर्चरी के लिए हार्डवर्क किया है और डिवाइन ब्लेसिंग्स रही हैं उसी से। वो शीतल एक बात बताइए, आप अकेला वुमेन आमले साचा, ओनली वुमन, आपको देखकर बहुत सारे महिलाएं इसके बाद खेलेंगे, आर्चरी करेंगे, इंस्पायर्ड फील करेंगे, एट 17 यू हैव बिकम अ रोल मॉडल। ये सर कि जब मैं भी किसी को देखकर ही निकली थी बाहर, आज मुझे देख के भी बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो निकले खेले, जब मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, पहले पहले मुश्किल होता है करने में, खेलने में, कोई सी भी गेम मुश्किल होती है पहले, जब हम कुछ थोड़ा सा सीखते हैं तो फिर वो अपने आप आसान हो जाती है। ये प्रेशर कैसे डील करते हैं यार, इवन 17, हम डर रहे थे, ये इनको देखकर तो लग नहीं रहा है कि इनको प्रेशर हो रहा था। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है कि वो बहुत काम, कंपोज्ड और कूल रहती है। अगर एक एरो हमारा जो 8 गया था उसके बाद उसने खुद ने बोला, हाँ वो भूल गई, नेक्स्ट याद रहेगा बस। ये आप कैसे डील करते हो, आई मीन नहीं लग, बिकॉज मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जहाँ पे आपने बोला कि 9 मारने के बाद आपको तुरंत आता है कि नेक्स्ट दोबारा 10 मारना है, 9 क्यों हुआ ये आप सोचते नहीं हो, कैसे डील करते हो ये? ये सर कि मेरे को ना, अगर कोई मुझे कुछ कहानियाँ सुनाए ना तो मुझे कुछ कहानियाँ बहुत पसंद है, उसमें से मुझे कुछ कुछ याद रहता है। कहते कि अगर तुमने एक एरो मारा वो 9 लगा, उसमें उसके बारे में नहीं सोचना, अगले एरो के बारे में सोचना, देखो कि अगर 9 मारेंगे हम, उसको हम दोबारा वापस ला के 10 नहीं मार सकते, तो हम दूसरे एरो के बारे में सोचते हैं। आपकी उम्र कितना है, 34 17? कौन सा कहानी पसंद है मुझे बताइए। नहीं सर, जो कुछ कोई कोई मुझे सुनाए कि शीतल ऐसे करना है लाइफ में, अब तुम छोटी हो तुम्हें ऐसे करना, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है सर, इसलिए मुझे बहुत पसंद है वो सुनाए कोई मुझे तो। लास्ट 2 questions, 1 to you, 1 to her. At 17, she's not even a voter. She's not even a voter, she would be a Paralympic champion. God knows, I mean, come on. But Abhilasha, now, after today, the pressure will build. Because people like us, we will start talking about her, we will build her up. Aapko kya lagta hai? I mean, next 3 days, inka career change ho sakta hai. Obviously, world champion hai, number one hai, Asian Games, sab kuch jaante hai hum log. But ek Paralympic ka manch alag hota hai. पैरालंपिक में अगर हमें अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, और वो भी सच एज़ यू राइटली मेंशन, शी इज़ नॉट इवन अ वोटर, सो इसके लिए इससे बड़ा चीज़ नहीं हो सकता जो हमें एक एज आ यू नो नेशन रिटर्न करना होता है, जो हम बोलते हैं वी आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज अ सिटीजन, एज अ प्लेयर, एज अ गर्ल, शी विल इन्फ्लुएंस टू द नेशन, टू द वर्ल्ड। जस्ट अ मैसेज फॉर वुमेन, ओनली वुमेन, आई नो दिस इज़ अ टफ वन, बट Trust me, I mean, I've been doing this for 30 years. मैं 30 साल से sports journalism कर रहा हूँ, अब हीरो हो मेरा भी हो, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सबके लिए।
मैं बाकियों को यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ता का पता होना ज़रूरी नहीं होता, बस भागने की हिम्मत होनी चाहिए। वाओ, दिस इज जस्ट द फर्स्ट, बिकॉज इफ शीतल देवी, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर देम, शी मेक्स द पोडियम, वी विल सेलिब्रेट विद ऑल ऑफ अस टुगेदर। जस्ट द स्टार्ट दैट द पैरालंपिक्स वांटेड, ऑल ऑफ इंडिया विल नाउ बी बिहाइंड देम, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर देम एंड फॉर द कंट्री। थैंक यू वेरी मच, मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड जय हिंद। थैंक्स अ लॉट।